अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। तो ये मैंने तेज पत्ता लिया है, 4 से 5 तेज पत्ता है, जिसे मैंने ऐसे तोड़ लिया है। जैमेत्री के टुकड़े लिए हैं 2 से 3 मैंने, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने जीरे का लिया है। ये लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च हो आपके पास तो वो ले लीजिए, मैंने ये वैसी ली है, कश्मीरी नहीं है, लाल मिर्च है। और ये मैंने काली इलायची ली है, 5 काली इलायची है, 6 हरी इलायची है, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर है, और ये दालचीनी के टुकड़े हैं 7 से 8, 1 जायफल है, और ये मैंने 1/2 बाउल सौंफ का लिया है, 2 टेबल स्पून भर के काली मिर्च ली है, और ये 1/2 बाउल ही मैंने धनिया का लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने लौंग ली है। तो हम इन्हें पीस लेंगे। तो मैंने ये 1 जार ले लिया है, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी सौंफ। तो पहले मैंने पीस के लाती हूँ और फिर हम इन्हें पीसेंगे, क्योंकि मैंने छोटा जार लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे हम 2 बार में। पहले मैं इसे पीस लाती हूँ। तो ये तो पीस के हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने इसे इसमें इस बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें हम ये अपनी जोर मसाले हैं वो डाल लेंगे। आप भी बना के रख लीजिए, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और ईद पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसे भी हम पीस लाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे भी पीस लिया है और इसी में मिला लेंगे हम। इन सभी को मिला लेंगे हम। तो मेरा मसाला बनके तैयार हो गया है, बिरयानी का मसाला ये बनके तैयार हो गया है। वैसे तो बाज़ार में इजीली मिल जाता है, लेकिन घर के बने हुए की, आपके अपने हाथ के बने हुए की बात ही कुछ और होती है। तो आप भी ऐसे ही घर में बनाएं। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।